किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 10 दिनों में प्याज का भाव 30 रुपये घट चुका है। दोस्तों किन किन कारणों से इतना भाव घटा है, सरकार का भी इसमें कुछ हाथ रहा है, तो मैं आपको कुछ कारणों के बारे में बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करते हैं, उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास के घंटी के निशान पर भी आप अवश्य बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने एक और नया चैनल बनाया जो कि मंडी भाव के नाम से है, तो उस पर आपको मंडी से संबंधित जानकारी मिलती रहती है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। दोस्तों कुछ जानकारी बता देते हैं, प्याज के थोक में भाव 10 दिन में 30 रुपये प्रति क्विंटल घटकर 25 से 45 रुपये क्विंटल रह गए हैं। महाराष्ट्र के साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात की मंडियों में प्याज की लेट खरीफ की आवक बढ़ी है, जिससे आगे भी इसके भाव में कमी का अनुमान बताया जा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में लेट खरीफ प्याज की आवक बढ़ने से कीमतों में पिछले 10 दिनों में करीब 30 रुपये घट चुके हैं। सोमवार को मंडी में प्याज की 45 तरह से ज़्यादा की आवक हुई, जो मंडी में 25 से 45 रुपये के भाव से प्याज बिका। दोस्तों भाव करने के कुछ सरकारी प्रयास भी कुछ आए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को खुदरा विक्रेताओं के लिए प्याज के स्टॉक की लिमिट को 5 टन से घटाकर 2 टन कर दिया था। साथ ही केंद्र ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए जमाखोरियों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। केंद्र सरकार ने हाल में ही प्याज को बफर स्टॉक को 1 लाख कर दिया, जबकि पिछले रबी सीजन में 57,000 टन प्याज का स्टॉक किया था। इन प्रयासों का असर भी प्याज की कीमतों को कम देखने को अनुमान बताया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन कम रहने का अनुमान। कृषि मंत्रालय के अनुसार उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश से प्याज की खरीब और लेट खरीब की फसल को भारी नुकसान हुआ। चालू खरीब और लेट खरीब में इसका उत्पादन घटकर 52.6 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल खरीब और लेट में अनुमान 69.91 लाख टन हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको इंदौर मंडी के कुछ भाव भी बता देता हूँ कि इंदौर मंडी में प्याज का भाव, प्याज बेस्ट 3500 से 4500 रुपये, एयरवेज प्याज 3000 से 3500, प्याज के अंतर्गत गोल्टी माल 2500 से 3000। अगर आलू की बात करते हैं तो आलू 1700 से 1800, ज्योति लोंगर माल 1800 से 1900, गुल्ला माल 1000 से 1200। अगर लहसुन के बात करते हैं तो सुपर बोल्ड माल 12250 रुपये से 12500 रुपये, लहसुन के अंतर्गत बेस्ट क्वालिटी 11250 से 11500। अगर हम मध्यम 10000 से 10250, अगर हम भारी की बात करते हैं 7500 से 8000 रुपये था। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।